नमस्कार आदाब, मैं मुक्ता आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ हमारे उर्दू के सत्र में। आप हमारा ये कार्यक्रम पीएम विद्या के चैनल नंबर 10 पर लाइव देख रहे हैं और चूंकि आज का हमारा जो ये सत्र है वो कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए है और जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं वो है गर्मी और देहाती बाजार। ये एक नज्म आज हम पढ़ेंगे हमारे सत्र में। तो यदि आपको किसी भी तरह का प्रश्न हो, आपकी किसी भी तरह की क्वेरी सत्र के लिए हो, तो आप हमें फोन करके पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 8800440559। आप चाहें तो अपने प्रश्नों को हम तक ईमेल के द्वारा भी पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है dth.class10@cit.nic.in। और जैसा कि मैंने अभी बताया, आज हम पढ़ेंगे नज्म हमारे इस उर्दू के सत्र में और इसे पढ़ाने के लिए, इसे समझाने के लिए जो एक्सपर्ट आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, सबसे पहले मैं उनका परिचय आपसे करा देना चाहती हूँ। आज के हमारे एक्सपर्ट है प्रोफेसर मोहम्मद मुअज्जमुद्दीन फ्रॉम DELNCERT। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपके सत्र में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में। बिल्कुल। और सर, जैसा कि हमारी नज्म का नाम है गर्मी और देहाती बाजार, तो सर गर्मी से तो हम सब वाकिफ है, हम रिलेट भी कर सकते हैं, देहाती बाजार, तो ये सर कौन से बाजार की यहाँ पे बात हो रही है, कौन से देहाती बाजार की आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इस नज्म में? इससे पहले कि इस नज्म के बारे में हम गुफ्तगू करें, ये हम जरूरी समझते हैं थोड़ा सा इस नज्म को लिखने वाले जो शायर हैं, बहुत अहम शायर हैं, और उनके बारे में कुछ गुफ्तगू कर ली जाए तो हमारा जो कंसेप्ट, आपका जो सवाल है वो ज्यादा वाजे हो जाएगा। जोश मलिहाबादी, मलिहाबाद के रहने वाले थे और मलिहाबाद जाहिर सी बात है कि दो वजह से मशहूर है। आजकल आप जानते हैं कि गर्मी का ज़माना है और दूसरे कि आम का भी मौसम है और मलिहाबाद के आम आपने भी खाए होंगे, दशहरी वहाँ की बहुत मशहूर है। तो एक तो मलिहाबाद इस वजह से मशहूर है, दूसरे मलिहाबाद के मशहूर होने की एक वजह, वहाँ एक शायर गुजरे हैं जिनका नाम शब्बीर हसन खां था और उनका तखल्लुक जोश था, तो जोश मलिहाबादी की वजह से भी वो इलाका, वो शहर मशहूर हो गया। तो इस तरह हम देखते हैं कि जोश मलिहाबादी जो है एक न सिर्फ अपने आप की शायरी को रिप्रेजेंट करते हैं बल्कि एक इलाके को, एक शहर को भी रिप्रेजेंट करते हैं और जिसकी वजह से उनको शोहरत मिली। जोश मलिहाबादी की पैदाइश 5 दिसंबर 1898 को मलिहाबाद के एक मोहल्ले मिर्ज़ागंज में हुई थी। उनका ताल्लुक जागीरदार घराने से था। इब्तदाई तालीम उनके घर पर हुई, अरबी फारसी उन्होंने पढ़ी, उर्दू भी काफ़ी पढ़ी। उसके बाद मजीद तालीम के लिए वो लखनऊ, सीतापुर, अलीगढ़ और आगरा में हुई उनकी, बाद को कोलकाता भी चले गए और जहां उनकी मुलाकात रविन्द्रनाथ टैगोर से हुई। रविन्द्रनाथ टैगोर से मिलने के बाद उनके अंदर एक नुमाया तब्दीली हुई, उनके ख्याल से, उनके रहन सहन से, वहाँ के माहौल से वह काफ़ी वाकिफ हुई। इसी तरह वहाँ से आने के बाद जो है शायरी उनको विरासत में मिली थी, यानी एक तो यह है कि शायरी खुद आदमी पहली बार शुरू करें और दूसरे यह कि विरासत में मिलने का मतलब यह है कि उनके परदादा भी शायर थे, दादा भी शायर थे, वालिद भी शायर थे और वो खुद एक बहुत बड़े शायर थे। तो इस तरह जो चीज़ विरासत में चली आ रही है, नस्ल दर नस्ल आ रही है, तो विरासत में मिली, तो जाहिर सी बात है कि उनके यहाँ जो शायरी का यह कि जो एक तनवो है, जो शायरी की लचक उनके अंदर जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आती है कि उनके अंदर शायरी का मिजाज किस तरह शोर पैदा हुआ, किस तरह उनका मिजाज शायरी की तरफ हुआ। उन्होंने शायरी की इब्तदा तकरीबन 9-10 बरस की उम्र में की थी। जो है पहले तो अपने वालिद से सलाह ली, यानी जो भी कलाम लिखते थे, शायरी करते थे, अपने वालिद साहब को दिखलाते थे और जहाँ भी अगर कोई खामी या कमी होती तो उनके वालिद साहब उसको दुरुस्त कर दिया करते थे। बाद में उनके उस्ताद मिर्ज़ा मोहम्मद आदि उनसे मशवरा सुखन किया और उसके बाद तालीम जब मुकम्मल तो नहीं हुई थी, तालीम को छोड़ने इन्होंने, इनके वालिद का इंतकाल हो गया तो ये तालीम अधूरी छोड़ दी और फिर लखनऊ चले आए। 1925 में इनका अपॉइंटमेंट हो गया दारुल तर्जुमा हैदराबाद में, मुलाजिम हो गए तो वहाँ तकरीबन ये 11 साल रहे। 1934 में दिल्ली आ गया और इत्तलात व नशरियात के महकमे यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड में उनको एक रसाला निकलता, तो आज भी निकलता है, आजकल हिंदी में भी निकलता है, उर्दू में भी निकलता है। तो उस रसाले के उन्होंने इदारत की, उसको एडिट करने की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई और ख़ुद अपना एक रसाला माहनामा कलीम भी जारी किया था जो 4 साल बाद बंद हो गया, क्योंकि माली तंगी थी, पैसे नहीं थे, तो उसकी वजह से उसको बंद करना पड़ा। बाद में तरक्की पसंदों का एक रसाला था नया अदब, उसमें वो शाम उसकी भी इदारत की और बाद में अपना रसाला खुद उसमें दम कर दिया, यानी मिला दिया। इसके बाद पूना की एक फिल्म कंपनी थी, वहाँ उन्होंने मुलाजमत कर ली, कई साल मुंबई में भी रहे। 1936 में अब्दुल हक मलिहाबादी उन्हें शायर इनकलाब का लकब दिया।
शायर उनकी हैसियत कई तरह से पहचानी जाती है। एक तो अंदर उनके रुमानी जज्बा बहुत था, रंगीनी एक बहुत थी मिजाज में, तो उसकी वजह से उनको शायर रुमान भी कहा गया, शायर शबाब भी कहा गया और शायर इनकलाब भी कहा गया। और उन्होंने खुद कभी उनको मुंशी दयानारायण निगम ने एक रिसाला निकालते थे ज़माना के नाम से, तो उन्होंने उनको शायर शबाब भी कहा है, शायर फितरत, मुसव्वर फितरत और शायर रुमान वगैरह उन्होंने अपने रिसाले में लिखा है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जोश मलिहाबादी की हैसियत खास तौर से दो हैसियत उनकी बनती है, एक शायर शबाब की और शायर इनकलाब की। उनका एक शेर है इससे जिसमें दोनों हैसियत को अपनी एक जगह उन्होंने यकजा कर दिया है कि काम है मेरा तगैयुर मेरा नाम है मेरा शबाब, काम है मेरा तगैयुर नाम है मेरा शबाब, मेरा नारा इनकलाबो इनकलाबो इनकलाब। तो इस तरह हम देखते हैं कि जोश मलिहाबादी जो है काफ़ी मुतादिक भी रहे और पहले ये रूमानी नगमे लिखा करते थे। बाद में इन्होंने चूंकि जब आज़ादी की लहर तेज़ हुई, आज़ादी की लड़ाई में शिद्दत पैदा हो गई, तो यह आज़ादी के में की लड़ाई पर मुस्तमिल नगमे लिखने लगे। बहुत सारी नगमे ऐसी कही हैं जो उनकी हैं। और फिर हुकूमत हिंद ने 1955 में इन्हें पद्म भूषण से नवाजा और बाद में यह किसी वजह से ऐसा हुआ कि पाकिस्तान चले गए 1 जनवरी 1957 में, वहाँ भी इनके कई शहरी मजमूए, वहाँ से दारुल तर्जुमा कराची में एक उर्दू लगत बोर्ड उससे वाबस्ता हुई और 22 फरवरी 1982 में उनका इंतकाल हो गया। तो ये उनके बहुत ख़ास ख़ास वाक़ियात हैं, वरना तो उनकी ज़िंदगी पूरी पढ़ने के लायक है। किस तरह से वो शायर रुमान कहे जाते हैं, किस तरह से शायरी इनकलाब हुई और क्या तब्दीलियाँ उनके शुरू में आती रही, ये पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है और इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। इनके तो यके बाद दीगरे तकरीबन 9 शायरी मजमूए यानी शायरी का 9 कलेक्शन आया जो बहुत ही अच्छा। उसके नाम ऐसे थे कि दोनों में एक लगता है कि मुतज़ाद अल्फाज पे, जैसे शोला शबनम है रूहे अदब नक्शो निगार, शोला शबनम फ़िक्र नशात हिकमत जुनून व हिकमत हरफ हकायात आयात व नगमात अरशो फर्श रामिश रंग सुम्बुल सलासिल। तो इस तरह देखिए कि और फिर इसके बाद जो है सैफ व सबू है, सरूद व खरोश है, समूम व सबा, तुलू ये फ़िक्र, इल्हाम व अफकार, नजम व जवाहिर वगैरह, मेहराब व मिदराब भी है। तो इस तरह मतबूआ कलाम उनके बहुत सारे हैं। एक मेहराब व मिदराब जो गैर मतबूआ कलाम था, बाद में उनके वफात के बाद उसको शाया किया उनकी बेटी ने। इसी तरह उनके मदामीन का मजमूआ इशारात के नाम से है, 1944 में आया। नसर में उनकी एक बहुत अहम किताब है ऑटोबायोग्राफी, जिसको हम कहते हैं कि यादों की बरात, उन्होंने उसमें बड़ी तफसील से अपनी ज़िंदगी के हालात और वाकयात लिखे हैं। और लोग कहते हैं कि इसमें सिर्फ सारी बातें दुरुस्त नहीं है बल्कि जब आदमी अपने बारे में लिखता है तो उसको कोई पकड़ने वाला नहीं होता कि आप सही लिख रहे हैं गलत लिख रहे हैं। तो आमतौर पर यह कहा जाता है कि इसमें उन्होंने अपने 18 मुआशकों का जिक्र किया है और 18 मुआशकों का जिक्र तो उसको कुछ लोगों ने जो है गलत भी कहा कि दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इंसान मशहूर होना चाहता है, अपनी ज़ात से कुछ ऐसे वाक़यात मंसूब करना चाहता है कि जिसकी वजह से वो इतना लाइट में आ जाता है। अगर इनके फ़न के बारे में बात करें तो इनकी शायरी में जैसा कि हमने कहा कि शायर शबाब भी हैं और शायर इनकलाब भी हैं, तो दोनों रंग नुमाया है जो है। और ये मुसव्वर फितरत की हैसियत भी मशहूर है। इनके यहाँ सुबह की जलवागरी बहुत नुमाया, यानी सुबह के मंजर से बहुत मुतासर है। उसके ऊपर मुश्तमिल कई नगमे हैं, जैसे नगमे सहर है, सुबोही है, पैगम्बर फितरत है, मुँह अंधेरे, अलबेली सुबह, दुआए सहरी, रकीब फरिश्ते, एक ही तरीके पर मौजू मुख्तलिफ तरीके से इजहार ख्याल उन्होंने किया है। और इनके यहाँ जो तशबीह और इस्तियारे हैं यानी सिमली और मेटाफर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया है कि किस तरह से हम मनाज़िर फितरत को देखें और किस तरह उसको अपनी ज़िंदगी का, अपने जहन का, अपने शोर का हिस्सा बनाएं और उसको सिमली और मेटाफर के ज़रिए उसको पेश करें। तो इनके यहाँ तो मज़ाहिर फितरत की बहुत है, ये मुसव्वर फितर यानी फितरत की तस्वीर कशी करने वाले कहे जाते हैं। इनके यहाँ फितरत पर मुश्तमिल बहुत सारी नज़में हैं। कुदरत के मनाज़िर को बहुत हसीन अंदाज में इन्होंने पेश किया है। कलाम में इनके रंगीनी है, जोश है, सच्चे जज्बात हैं और बेमिसल इस्तियारों और तशबीह वगैरह हैं मौजूद। इनकी शायरी जो है जोश भी है, असलियत भी है, सादगी सभी कुछ है। जोश जैसा कि जोश इनका तखल्लुफ भी है, तो आमतौर पर यह कहा जाता है कि जोश की पूरी शायरी उनके तखल्लुफ की आईनादार है, यानी जो उनका तखल्लुफ पिन है वो उससे जाहिर होता है, उनकी शायरी की खूबी को बयान करता है। तो इस तरह हम देखें कि जोश का अच्छा, इनके यहाँ सिर्फ हकीमाना और आरिफाना कलाम भी बहुत मिलते हैं, हुस्न इश्क का बयान है, लेकिन अखलाकी कजरवी नहीं है। इनके यहाँ कोई ऐसी बात नहीं मिलेगी जिससे लगता है कि कोई मुखरब अखलाक हो या अखलाक से गिरी हुई बात हो जो है।
और इनकी अक्सर नज़मों में तरन्नुम और मौसीकियत के मुनासबत से उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया है। अब देखिए गर्मी और देहाती बाजार हमारे एनसीईआरटी किताबों में बहुत सारी नज़में की शामिल है मुख्तलिफ किताबों में, जैसे गर्मी और देहाती बाजार है, बदली का चांद है, बहार की एक दोपहर, मेरी प्यारी चिड़ियों अभी, और गाँव रुबाइयात वगैरह भी कहीं हैं, तो वो सबसे हमारे यहाँ मुख्तलिफ किताबों में शामिल हैं। और कुछ नज़में इनकी बहुत मशहूर हुई हैं, जैसे ताज का साया, आसार इनकलाब, नेचर के ख्वाब ख्वाब नेचर के ख्वाबगाह, सैर गर्दों, किसान, लम्हे आज़ादी, शिकस्त जिंदा का ख्वाब, ईस्ट इंडिया कंपनी के फर्जंदों के नाम वगैरह भी उनकी मशहूर नज़में हैं। और इन्होंने गज़लें भी और रुबाइयात भी, लेकिन नज़में इन्होंने ज़्यादा लिखी हैं और नज़मों की वजह से इनको काफ़ी शोहरत मिली। जैसा कि नज़म के बारे में हमारे तलबा पहले पढ़ चुके हैं, नज़म की कई किस्में हैं और नज़म किस तरह नसर से अलग होती है, यहाँ उसकी तफसील में जाने का मौका नहीं है, और लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि नज़म का एक अलग अंदाज़ बयान होता है, जिसमें एक पूरे तासुर के साथ, एक कैफियत के साथ उसमें नज़म में वो बात आ जाती है। और कभी कभी नज़मों में मुख्तलिफ़ मनाज़िर पे मुख्तलिफ़ वाक़ियात और मुश्तमिल नज़में होती हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि सबसे पहले तो आइए कि फिर अगर हम इस नज़म पर मज़ीद गुफ्तगू करने के पहले ये बेहतर समझते हैं कि हम जोश मलियाबादे की इस नज़म को एक बार पढ़ें और देखें कि इसमें क्या है। तो जोश मलियाबादे की यह नज़म जो है एक ताबंद नज़म है, और ये पाबंद नज़म जो है ये मसनवी के अंदाज़ में, यानी इसके हर शेर को दोनों मिसरे में रदीफ और काफिया का इस्तेमाल हुआ है, बल्कि रदीफ नहीं बल्कि काफिया ही काफिया है। तो हम नज़म को शुरू करते हैं, आप देखिए कि किस तरह जो है इसमें एक गर्मी की शिद्दत, जो आजकल जो हमारा महीना जून का चल रहा है, और बाहर निकलिए, हम तो ऐसे कमरे में बैठ के बात कर रहे हैं, बाहर निकलिए जो लोग सड़कों पर जा रहे हैं, तो वो इस नज़म को सुन के उसकी कैफियत को ज़्यादा महसूस कर सकते हैं। बल्कि अगर हम अकबर इलाहाबादी का बहुत मशहूर शहर है, अकबर इलाहाबादी जिन्होंने वही लिखा है कि वो हंगामा है क्यों बर्पा थोड़ी सी जो पीली है, तो बहुत अच्छे शायर थे वो, उन्होंने बहुत मियारी नज़में लिखी हैं और इस्लाही नज़में लिखी हैं। उनका एक शेर है कि आबले पड़ जाएं अभी अकबर के बदन पे, आबला मने झलका जो होता है, झुलस जाती जल, अच्छा। आबले पड़ जाएं अभी अकबर के बदन पे, पढ़कर जो कोई फूंक दे अप्रैल मई जून, अगर अप्रैल और मई जून को किसी के बदन पे फूंक दीजिए तो उसके बदन पे जो है वो आबला पड़ जाएगा। तो इतने कहने मतलब कि ये एक शिद्दत बयान की है उसमें, जो शिद्दत के अंदर, तो वही शिद्दत अगर उस शहर के पस मंजर को सामने रखो तो हम इस पूरी नज़्म को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो गर्म इस नज़्म का उन्वान है गर्मी और देहाती बाजार। नज़्म कुछ इस तरह शुरू होती है, दोपहर बाजार दुकान गाँव की खलकत का शोर, खून की प्यासी शवाएँ, रूह फरसा लू का दौर, आग की रो कार बारे जिंदगी का पेशताब, तुंद शोले सुरख दर्रे गर्म झोंके आफ्ताब, शोर हलचल गुलगला हैजान लू गर्मी गुबार, बैल घोड़े बकरियां भेड़ें कतार अंदर कतार, मक्खियों की भिन भिनाहट, गुड़ की बू, मिर्चों की धास, खरपुजे आलू खली गेहूँ कद्दू तरबूज घास, धूप की शिद्दत हवा की योर इसे गर्मी की रो, कमलियों पर सुर्ख चावल टाट के टुकड़ों पे जो, गर्म जर्रों के सदाए झक्कड़ों की सख्तियाँ, झक्कड़ों में खास थे बूढ़ों की चिल्मों की का धुआं, माओ के कांधे पे बच्चे गर्दने डाले हुए, भूख की आँखों के तारे प्यास के पाले हुए, बाम उधर लर्जे हुए खुर्शीद के आफात से, हर नफस से कांच सी उठती हुई जर्रात से, मर्द वजन गर्दन में चीलों की सदा सुनते हुए, चिलचिलाती धूप की रौ में चने भुनते हुए, यूँ शवाएँ साये अजाज से छनती हुई, म्यान से मौसम की तेगे बेअमां निकली हुई, लू के मारे बामुदर की रूह घबराई हुई, दोस्तों की शक्ल पर बेगानगी छाई हुई, आसमां पर अब्र के भटके हुए टुकड़ों करम, नश में मुमसिक के जैसे वादे जूदो करम, हर रविश पर चिड़चिड़ापन हर सदा में बेरुखी, हर जिगर भुनता हुआ हर खोपड़ी पकती हुई, सर पे काफिर धूप जैसे रूह पर अक्से गुना, तेज किन्ने जैसे बूढ़े सोद खारों की निगाह। तो ये कि नज़्म पूरी आपने सुनी जो है, नज़्म यहाँ ख़त्म हो जाती है,
और इसके हर शहर के दोनों मिसरों में काफिए का अहतमाम किया गया है। और ये मसनवी की फार्म होती है कि जिसके हर शहर के दोनों मिसरे अलग अलग काफियों के साथ है, तो उसको हम मसनवी कहते हैं। तो नज़्म लिखने की कोई एक तरीका नहीं है, बल्कि अलग अलग फार्म भी लिखी जाती है। गज़ल यमन की गज़ल की फार्म भी नज़्म लिखी गई है। तो आपने इस गर्मी और देहाती बाजार को नज्म को सुना, आपने महसूस किया हुआ कि इसमें किस कैफियत को बयान किया गया है। यहाँ कैफियत से ज़्यादा, चूँकि आप ज़बान के तालिब इल्म, तो हमें यह देखने की ज़रूरत है ज़बान के तालिब इल्म से हम इसको किन किन चीज़ों पर गौर कर सकते हैं और अपनी ज़बानदानी में इजाफा कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको इस पर गौर करना है कि दोनों मिसरों में जो काफ़ी, हर शहर के दोनों मिसरों में जो काफ़ी इस्तेमाल हुए हैं उनकी आप दर्जाबंदी कीजिए, उनको आप लिख सकते हैं, तो इस वजह से हमारे हम उसको काफ़ी को समझ सकते हैं। और उस शिद्दत को बयान करने के लिए जो कुछ उन्होंने शायर का अंदाज बयान है उसको भी हमें गौर करना होगा। तो हम इस नज़्म को एक बार फिर पढ़ते जाते हैं और हर शेर पे एक एक उस पर हम बात करते जाते हैं। और देखिए, जैसा कि हमने कहा कि पूरे मंजर को बयान के अलग अलग वाक्यों को, कहीं मेला होता है या बाजार लगी होती है, बाजार के तस्वुर से आप ये देखिए कि वह हमारे जहन में वो कैफियत वाजे हो जाती है। जब कोई कहता है कि आप बाजार गए थे या बाजार जा रहे हैं, या शायर बाजार का जिक्र करता है, तो वहाँ हर तरह की चीज़ें होती हैं, वहाँ खरीदो फरोख्त भी होती है, लोग आते हैं अपना कुछ सामान बेचते भी हैं, कुछ खरीदते भी हैं, और अलग अलग चीज़ें लोग दुकानें लगा के बैठते हैं। उस पूरे मंजर को शायर ने किस तरह बयान किया है और जिस मौसम में बयान किया है, वो मौसम असल चीज तो ये है कि लोगों की क्या हालत हो रही है। दोपहर बाजार दुकान गांव की हलकत का शोर, हलकत कहते हैं आवाम, मुराद वो मखलूक, यानी वहाँ पर जो है दुकानें लगी हुई हैं, दोपहर का वक्त है और गांव की पूरी ये आवाम जो है वहाँ उमड़ी हुई है, खरीदो फरोख्त के लिए आई हुई है। खून की प्यासी शोभाएँ रूह फरसा लू का जोर, शोभा कहते हैं किरण को, सूरज की किरण को, कैसी है, क्या खूबी है उस वक्त शोभा किरण की, यानी खून की प्यासी, यानी जैसे हमारा खून पी जाएंगे इतनी तेज़ी उसमें शिद्दत है, हमारे जिसम को झुलसा दे रही है। खून की प्यासी शोभाएँ रूह फरसा लू का जोर, लू तो आप जानते हैं किसे कहते हैं, रूह फरसा कहते हैं तकलीफ़ देने वाला, मुसीबत पहुँचाने वाला। तो लू का जोर जो है, जो लू चल रही है, गर्म हवा का जो झोंका आ रहा है, झक्कड़ आ रहा है, वो लू की मानिंद है और उसमें हमारी तकलीफ, रूह को तकलीफ पहुंचा रहा है। आज चिरो कारोबार जिंदगी का पेच उताब, तो ऐसा नहीं लगता कि गर्म हवा चल रही, बल्कि लगता है कि गोया एक आग की रोह है, आग का बहाव धीरे धीरे जो लोगों के दरमियान से होकर गुजर रहा, लोगों को परेशान कर रहा है। और इस हालत में कारोबार ज़िंदगी का पेच उताब, और ज़िंदगी का जो कारोबार अपने शबाब पर, लोग उससे जो है पेच उताब खा रहे हैं, परेशान हाल है। तुंड शोले सुर्ख जर्रे गर्म झोंके आफ्ताब, ये देखिए चार यहाँ सिफात बयान की, एडजेक्टिव का इस्तेमाल शायर ने यहाँ बहुत किया। तुंद शोले, शोला जो है आग को कहते हैं, लपक को, आग की लपक को, कैसा है तुंद, यानी बहुत तेज है। और सुर्ख जर्रे, जर्रे कहते हैं पार्टिकल्स को, जो भी वहाँ जर्रा ओला ओला लगता है कि वो भी है गर्मी से जो है सुर्ख हो गया है, लाल हो गया है, यानी तकलीफ दे, वो भी है। गर्म झोंके, झोंका आ रहा हवा का, वो भी गर्म है। और आफ्ताब तो है ही, आफ्ताब कहते हैं सूरज को। शोर हलचल गुलगला हैजान लू गर्मी गुबार, अब यहाँ पर शायर ने छह चीज़ों का जिक्र किया है, शोर भी है, हलचल भी है, परेशानी भी है। और हैजान माने एक कैफियत पैदा होती है परेशानी की, लू है, गर्मी है, गुबार माने गर्दो गुबार। तो शायर ने इन चीज़ों के बयान से ये वाजे करने की कोशिश की, जो भी वहाँ का समा है, जो सूरत हाल है, वो बहुत तकलीफ दह है। और फिर उस तकलीफ दह सूरत हाल में आप देखिए कि शोर हलचल गुल गुला हैजान लू गर्मी गुबार, बैल घोड़े बकरियां भेड़ें कतार अंदर कतार, ये सब चीज़ें वहाँ बाजार में मौजूद हैं। खरबूजे मक्खियों की भिन भिनाहट, गुड़ की बू, मिर्चों की धास, खरबूजे आलू खली गेहूं कद्दू तरबूज घास, अब ये चीज़ें वहाँ पर जो गर्मियों में बिक रही हैं उन सब चीज़ों का शायर ने जिक्र किया है। आजकल जो है खरबूजा भी है, तरबूज भी है, और गुड़ भी बिकता है। तो गुड़ अगर होता है, गर्मी ज़्यादा हो जाती तो पिघलता है गुड़, और पिघलता होता है तो मक्खियाँ ज़्यादा भिन भिनाती है जो। और मिर्चों की धास का मतलब कहीं मिर्च अगर है तो वो भी उसकी हवा की और शिद्दत से जो है आग की गर्मी की, वो भी लगता है कि वो भी पक रही है, उससे जो है वो धास निकल रही है और उसके करीब नहीं जा सकते। धूप की शिद्दत हवा की योरिश है, गर्मी के रो, फिर अब तीन चीज़ें बयान की हैं। धूप की शिद्दत है, हवा की योरिश कहते हैं जलगार को, चढ़ाई को, जो हवा है वो बहुत गर्म है, वो लगता है कि हमारे ऊपर चढ़ी आ रही है, परेशान कर रही है। और गर्मी के रो, गर्मी का बहाव है,
यानी वही चीज जो पहले गुजर चुकी है। कमलियों पर सुर्ख चावल टाट के टुकड़ों पर जौ, कमली कहते हैं ऊन की हल्की चादर जो है, छोटी चादर जिसको कंबल कहते हैं, और टाट के टुकड़ों पर जौ, यानी उस कमली पे तो चावल जो है और टुकड़ों पे, टाट के टुकड़ों पे जौ फैला रखा है वहाँ सूखने के लिए या क्या करने या बेचने के लिए। अब देखिए शायद यहाँ चावल नहीं कहा, चावल कहा है। अगर आप लखनऊ वाले जो लोग हैं उधर के जो, तो वो कोई एक इलाके में ये लफ्ज चावल नहीं बोलते बल्कि चावल बोलते हैं, तो शायर ने यहाँ चावल इस्तेमाल किया, तो इसके मतलब ये था उसके इलाके का भी जाहिर हो रहा है उस जबान के लिहाज से। तो हमें जब भी कोई इस तरह के इकतबास या नर्म कोई नसर पढ़े तो हमें उस हिसाब से भी गौर करना चाहिए किस इलाके में कौन सा लफ्ज बोला जाता है और किस तरह शायर या मुसन्निफ ने उसको इस्तेमाल किया है। गर्म जर्रों के सदाए झक्कड़ों की सख्तियाँ, झक्कड़ों में खास थे बूढ़ों की चिल्मों का धुआं। अब जो भी कुछ सूरत हाल है गर्मी की, तो वो अतल ऐसे में जो बूढ़े हैं आमतौर पर देहात में गांव में जो है लोग पीते हैं, चिलम चढ़ा रहते हैं, हुक्का पीते हैं, और उससे जो धुआं निकलता है वो भी तकलीफ देह होता है, लेकिन वो खांसते रहते हैं लेकिन पियेंगे ज़रूर जो है, तकलीफ हो कुछ भी जो है। और माओं के कानों पे ये बच्चे गर्दनें डाले हुए, भूख की आँखों के तारे प्यास के पाले हुए, और माएँ जो है बच्चों को अपने गर्दन में दम लिए हुए हैं, या कभी कभी ये भी करती हैं कोई रूमाल होता है चादर होती है तो उसको पीछे बांध लेती हैं, बच्चे की गर्दन ऊपर निकले रहता है अपने काम धंधे में मस्त रहती हैं। तो जाहिर बात है कि बच्चे की भी निगरानी हो रही है और काम भी हो रहा है। माओ के कंधे पे बच्चे गर्दने डाले हुए, भूख की आँखों के तारे प्यास के पाले, यानी ये बच्चे जो है उनकी आँखों में जो है भूख है, तड़प रहे हैं, लेकिन माँ की जो है कि जब तक जो पैसा कमाई नहीं तो उनकी प्यास कैसे बुझेगी, उनका पेट कैसे भरेगा। बामुदर लर्जे हुए खुर्शीद के आफात, आफात से आफात जो है आफत की जमा मुसीबत, और बामुदर बाम कहते हैं कोठे को, यानी कोठे छत का ऊपरी हिस्सा जो है, और दर कहते हैं दरवाजे को, यानी पूरा मकान जो है बामुदर लर्जे हुई जमा ने काँप रहे हैं हवा की शिद्दत से, गर्मी की शिद्दत से, वो खुर्शीद की जो शिद्दत व आफात है उससे काँप रहे हैं। हर नफत से कांच से उगती हुई जर्रात, यानी हर घड़ी जो है हर सांस में जो जर्रे हैं, जर्रात जो है वो जर्रे की जमा हो, जर्रा कहते हैं पार्टिकल को, छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं मिट्टी के, तो उससे जो इतना गर्म हो चुका है कि वो जो उड़ता है तो वो भी जो है वो तकलीफ देता है। मर्द जन गर्दिश में चीलों की सदा सुनते हुए, जन कहते हैं औरत को, मर्द यानी औरतें और मर्द दोनों जो है वो गर्दिश में जो चीलें हैं जो सदा घूम रही हैं और उनकी आवाज़ भी जो है वो परेशान है, पानी की शिद्दत से या गर्मी की शिद्दत से वो भी परेशान है। चिलचिलाती धूप की रौ में चने भुनते हुए, और चिलचिलाती धूप की रौ में यानी जो चिलचिलाती धूप है, गर्म धूप है, उसकी रौ में जो बहाव है उसमें चने भुनते हुए। अब देखिए चना भुना एक दायित्व बात है कि भुन तो नहीं जाएगा चना, लेकिन यहाँ शायर ने एक शिद्दत जाहिर की है। आमतौर पर जो अवध का इलाका है, यूपी के ईस्टर्न यूपी का इलाका है, वहाँ पे जो खासतौर से लखनऊ में हमने देखा है कि लोग अगर किसी को बुखार हो गया उसके नब्ज पे हाथ रखा तो वो कहते हैं बड़ी शिद्दत है भाई, तो चना भुन जाएगा इतनी तेज बुखार है। तो इस तरह से वो एक जबान की शिद्दत जाहिर हो रही है इससे जो किस तरह से, हालांकि चना होना नहीं भुनता है, लेकिन वो उसकी शिद्दत को जाहिर करने के लिए कहना है कि वो चना अगर आ जाए सामने तो वो अभी भुन जाएगा। यूँ शवाएँ साये अजाल से धन छनती हुई, और जो पेड़ों का साया है उनके सामने से जो शवा आ रही, जो किरणें छन कर आ रही ज़मीन पर, म्यान से मौसम की तेगे बेअमान निकली हुई, ऐसा लगता है कि म्यान से तलवार निकल आई, ऐसी तलवार जो गर्म है और जिसके पना के वार से हम बच नहीं सकते, ऐसी तकलीफ दे है। तो कहते हैं कि वो जो किरणें आ रही पेड़ों से छनती हुई वो मिसल तलवार के हैं, लू के मारे हुए म्यान से लू के मारे बामुदर की रूह घबराई हुई, दोस्तों की शक्ल पर बेगान घी छाई हुई। अब दोस्त भी एक दूसरे को नहीं पहचान रहे, अजनबियत के मारे हुई है, और लगता है कि एक दो अब यहाँ अजनबियत दो तरह से हो सकती है, एक तो जो है गर्दोगवार इतना कि अपने दोस्तों को नहीं पहचान रहे अजनबी हो गए, या दूसरी अजनबियत यह है कि दोस्त दोस्त को देख के घबरा रहा है, परेशान हो रहा है, बच रहा है कि इस लू में परेशानी की हालत में उसकी क्या खातिरदारी है, तो एक अजनबी सा माहौल बन रहा है। आसमां पर अब्र के भटको हुए टुकड़ों करम, न शमे मुमसिक का जैसे वाद है जूदो करम, आसमान पर जो बादल घूम रहे इधर उधर जो है टकरा रहे हैं तो उनके ऊपर एक नशा, और हमें एक उम्मीद है कि आसमान पर जो बादल हैं लगता है कि अभी बारिश होने वाली, लेकिन
बारिश नहीं हो रही है, न समय मुंसिक का जैसे वादे जूदो करम, जैसे कोई कंजूस हो बखील हो आदमी और बार बार वादा करे कि हमारी मेहरबानी हम पे हमारी इनायत आप पर है, तो वही सूरत हाल जो है बादल के टुकड़ों का भी है। हर दबिश पर चिड़चिड़ापन, हर सदा में बेरुखी, हर जिगर भुनता हुआ, हर खोपड़ी पकती हुई, तो यहाँ भी शायर ने जो है गर्मी की शिद्दत से सूरत हाल बयान की है। जो भी सूरत हाल, जो भी तौर तरीका लोग अपना रहे हैं, वहाँ एक बेरुखी का आलम है, बेरुखी चिड़चिड़ापन है और बेरुखी है, हर जिगर भुनता हुआ, हर खोपड़ी पकती हुई, और जिगर भुनना और खोपड़ी पकना ये मुहावरा इस्तेमाल किया तो अभी आप जानते हैं। अब यह आखिरी शेर इस पर खास तौर पर ध्यान देने की जरूरत है कि सर पे काफिर धूप जैसे रूह का अक्स गुना, जैसे रूह पर अक्स गुना, सर पे काफिर धूप जैसे रूह पर अक्स गुना, यानी हमारे सर पे जो धूप है वो ऐसे लगता है कि बहुत ही तकलीफ देह है, उसमें एक अंदर तकलीफ देने की उसमें ऐसे शिद्दत पैदा कर दी है, जैसे ठान लिया है कि हमारा काम जो है वो तकलीफ देना है। और अक्स गुना यानी गुनाह की परछाई, यानी हर वक्त हमारे ऊपर एहसास होता है कि हम जैसे कोई गुनाह किए हुए हैं, जिसकी वजह से ये हम देख रहे हैं कि धूप इतनी शिद्दत, और तेज किरणें जैसे बूढ़े सूद खारों की निगाह, और जो इतनी किरणें तेज हैं कि जैसे कोई बूढ़ा सूद खारों की निगाह, जैसे कोई बूढ़ा सूद खार हो किसी को देखे जो है। अब इसमें उनका जागीरदारा निदाम है कि सूद खार जब आपके दरवाजे पर आता है वसूल करने, तो लगता है कि उसकी निगाह में अब हमें छोड़ेगा नहीं, हमें खा के ही छोड़ेगा। तो इस तरह इस नज़्म को पढ़ने के साथ साथ इसकी कैफियत को भी महसूस करना, और जिस कैफियत को बयान करने के लिए जिन अल्फाज बिल्कुल आज की जो नज़्म थी, मैं समझती हूँ गर्मी के जिस मौसम में हम सब झेल रहे हैं उसको काफी हद तक बयां कर गई, जैसा कि आपने कहा इसकी कैफियत को बयां कर गई। मैं उम्मीद करती हूँ हमारे दर्शक भी इस नज्म को उतना ही अच्छे से समझेंगे सर जितना अच्छे से आपने समझाया। आपका सर एक बार फिर से धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी नज्म हमारे दर्शकों को, हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ाई समझाई, और मैं हमारे दर्शकों से यही कहना चाहूंगी फिलहाल हम इस सत्र को यहीं पर समाप्त करें, लेकिन हम जल्द हाजिर होंगे अपने नए सत्र साथ। आप जुड़े रहिए पीएम विद्या के साथ। नमस्कार।